आपका दोस्त क्रीमना सर, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ गवर्नमेंट की जॉब 2023 में। इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जॉब्स आई हैं, दोनों तीनों रीजन्स में हैं। इसमें कौन कौन मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं, इसमें तलीम इन सब जॉब्स में तलीम मिडल मैट्रिक इंटरमीडिएट मास्टर तक है। 500 से ज़्यादा वैकन्सियाँ हैं, तनख्वाहें इनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग सैलरी 60,000 तक है। लास्ट डेट इनके अप्लाई करने की 10 फरवरी 2023 है। इसी तरह कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इन सब पहले सबसे पहला जो डिपार्टमेंट हमारे पास है वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर जॉब 2023। इसमें 100 वैकन्सियाँ आल पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब में ही इनकी जो अपना आपकी जो जॉब्स लगेगी वो आल पंजाब में सिटीज डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटिंग है। इसी तरह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 20 वैकेंसियाँ आल सिंध में, सिंधपुरे में ये जॉब्स हैं। इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ मुल्तान, इसमें 17 वैकेंसियाँ मुल्तान की, ये सारी जॉब्स पोस्टिंग जो वो सिटी वो मुल्तान होगी। इसी तरह डेटा एंट्री ऑपरेटर पाक आर्मी में जॉब्स हैं, 11 वैकेंसियाँ, पोस्टिंग सिटी रावलपिंडी है। इसी तरह पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जॉब है, ये पीओ बॉक्स इस्लामाबाद, मतलब लेकिन ये बेसिकली ये सारी जॉब्स जो हैं ये लाहौर में होंगी, 9 वैकेंसियाँ इसकी। इसी तरह सिविल कोर्ट जॉब KPK 8 वैकेंसियाँ हैं हरिपुर में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जॉब 2023 8 वैकेंसियाँ हैं इस्लामाबाद में। इसी तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जॉब्स आई हैं, 20 वैकेंसियाँ इसमें। इन सब की वैकेंसियों की पोस्टिंग जो है जॉब्स होंगी वो लाहौर में होंगी। ये हमारे पास आज 6 से 7 डिपार्टमेंट हैं जिनकी जॉब्स आज की डेट में अनाउंस की गई हैं। मैं वन बाय वन आपको सबका रिव्यू करवाऊंगा, उससे पहले आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियो आप तक मिलती चली। आइए आप पे चलते हैं गूगल पे और व्हाट्सएप वेबसाइट के जरिए मैं इन सब जॉब्स का आप पे रिव्यू करवाता हूँ आपको। सिक्योरिटी हेल्थ केयर में 100 से ज़्यादा सीटें, सारी सीट्स कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं, 1 से लेकर 10 साल तक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। पंजाब रीजन की जॉब्स हैं, ऑफर सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक दी जाएगी। इसमें मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। डेजिग्नेशन मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर्स, ड्राइवर, नाइट कासल की है। इनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 जनवरी 2023 है। इसी तरह इसको इनको अप्लाई करने का तरीका सिंपली, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है NTS की, www.nts.origin.pk पे, वहाँ पे आपने जाकर ऑनलाइन इस पर अप्लाई करना है। इनकी चलान फीस भी है, हर पोस्ट की डिफरेंट फीस है जो आप डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं 17 वैकेंसियाँ निकाली हैं सिंध के अंदर। इसमें जो ऑफर सैलरी आपको 50,000 से 80,000 तक दी जाएगी, मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। डेजिग्नेशन इसमें असिस्टेंट टेक्निकल्स और असिस्टेंट डायरेक्टर की है। 20 फरवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सिंध पब्लिक कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स होती है तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही अप्लाई किया जाता है, तो आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना जाके। इसी तरह हमारी आज की तीसरी जॉब है कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ मुल्तान, इसमें जो ऑफर सैलरी आपको दी जा रही है वो कम से कम 60,000 ज़्यादा 80,000, एज लिमिट रखी गई है कम से कम 35, ज़्यादा ज़्यादा 45, मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। इसमें जो डेजिग्नेशन है लेक्चर और टीचिंग जॉब्स है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 जनवरी 2023 है। इसी तरह हमारे पास आज की चौथी जॉब है CTDO रावलपिंडी जॉब्स, पाक आर्मी डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इसमें मेल्स की ये जॉब्स हैं, स्किल लेवल कंप्यूटर बेसिक्स और हार्ड वर्किंग का है। डेजिग्नेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर एंड सुपरवाइज़र। इनकी भी लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 जनवरी 2023 है। इनको अप्लाई करने का सिंपली आपने अपनी एप्लीकेशन राइट करनी है प्लेन पेपर पे विद लॉन्ग टेस्टेड कॉपी, अपना एजुकेशन शॉर्ट पे अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर, CNSE, डोमिसाइल, 2 fresh 4 passport size, 2 photographs। आपने इनके फॉलोइंग एड्रेस, जो कि इनका फॉलोइंग एड्रेस है CoD रावलपिंडी पाकिस्तान, यानी अगर आप रावलपिंडी से हैं तो आप डायरेक्टली भी जमा करवा सकते हैं, अगर 10 सिटी से हैं तो पोस्ट या कुरियर के सर्विस के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आज की पांचवी जॉब है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद, लेकिन पोस्टिंग सबकी लाहौर में है। 8 सीटें इसमें, कम से कम सैलरी 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक दी जाएगी। मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। स्किल लेवल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर का है। डेजिग्नेशन ट्रैक्टर और असिस्टेंट एंड ड्राइवर की है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 2 फरवरी 2023 है। इसी तरह इसमें क्या कहते हैं, इसको अप्लाई करने का सिंपली आपने क्या कहते हैं
अपनी सीवी बना के, ये जो इनको इन्होंने नीचे ईमेल दी है HR रिसक्रमेंट 2022 tetrahotmail.com, यहाँ पे अपनी आपने अपनी मेल बना के सेंड करनी, सीवी बना के सीवी को मेल्स के ज़रिए आपने इस मेल पे अपलोड करनी है। बाकी इनका एड्रेस जो है वो भी यही ईमेल एड्रेस है। इसी तरह आज की हमारे पास 6वें नंबर पे जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, इसमें 6 सीटें हैं इस्लामाबाद की। इसमें जो ऑफर सैलरी है कम से कम 25,000 से 60,000 है, मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। स्किल लेवल मैनेजमेंट कंप्यूटर बेसिक्स असिस्टेंट LUDC नायब कैसर की सीट्स हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 जनवरी 2023 है। इसी तरह इसको अप्लाई करने का तरीका यही है कि www.edf.government.pk पे ऑफिशियली आपने जाके इनको फिल करना है, इनकी एप्लीकेशन को। और फिल करने के बाद आपने अपने ऑल तक डॉक्यूमेंट, एजुकेशन एक्सपीरियंस लेटर, CNSA, डोमिसाइल, 2 फ्रेश फूड पास साइज फोटोग्राफ्स, आपने इनके फॉलोइंग एड्रेस पर पहुँचाना है। जो इनका फॉलोइंग एड्रेस है वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड EDF मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स 2nd फ्लोर EPCCS कैपिटल हाउस सेक्टर G81 इस्लामाबाद। यहाँ पे अगर आप इस्लामाबाद से तो आप डायरेक्टली भी सबमिट करवा सकते हैं, अगर आप अदर सिटी से हैं तो आप किसी भी पोस्टर या कोरियर सर्विस के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आज की आखिरी जॉब्स है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लाहौर में, इसमें 20 सीटें उन्होंने लाहौर में निकाली हैं, ग्रेजुएशन तक मांगी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब्स हैं, कम से कम सैलरी 30,000 से 40,000, मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। स्किल लेवल IT एंड सुपरवाइज़र, डेजिग्नेशन IT ऑफिसर एंड सुपरवाइज़र की है। लास्ट डेट इनकी 27 जनवरी 2023 है। ये सारी जॉब्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। पहले मैंने आपको इनके बारे में स्लाइड्स के जरिए और ये मैंने वेबसाइट के जरिए आपको रिव्यू करवाया। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोज़ और ऐसी जॉब्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।